तो हम लोग थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या देखें एक बार क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे फैराडेस का एक्सपेरिमेंट, फैराडेस एक्सपेरिमेंट, या फिर फैराडेस का एक्सपेरिमेंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं किसको, वो डेफिनेशन देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हम लोग देखे थे लेंज़ लॉ। तो ये तीन या चार टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं जो सबसे बेसिक है। तो फैराडेस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्वाइल है, क्या है क्वाइल, जैसे ये तुम्हारा क्वाइल है, और इस क्वाइल के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है लिंक, वो टाइम के साथ अगर चेंज कर रहा, मान लेते हैं इसके साथ बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो मैग्नेटिक लाइंस इसको क्रॉस करके पास करेगा ना, करेगा ना यार। तो जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस किसी सरफेस को पास करता है नॉर्मली उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड जो इस क्वाइल के साथ लिंक्ड है वो अगर टाइम के साथ चेंज करे, क्या करे चेंज, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, इसका एक ही मीनिंग है कि इस क्वाइल में करंट फ्लो कर रहा है, हाँ या नहीं। और करंट आता है सेल या बैटरी से, सेल या बैटरी, बैटरी ना से करंट लेते हो। तो सेल या बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, क्या बोलते हैं ईएमएफ। तो वहीं से आया कि किसी भी क्वाइल या कंडक्टर के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है और वो अगर टाइम के साथ चेंज करता हो तो उसमें क्या इंड्यूस होगा ईएमएफ, और ये ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो भी हम लोग जानते हैं फैराडेज लॉ से। तो फैराडेज लॉ बोलता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। मान लेते हैं पहले फाइव वन था, कितना था फाइव वन, किसी टाइम टी वन पे, कुछ देर के बाद फाइव टू हो गया, टाइम तो चेंज करता रहता है, तो चेंज इन फ्लक्स फाइव टू माइनस फाइव वन बाय टी टू माइनस टी वन, बस यही है इंड्यूस ईएमएफ। अगर एक टर्न है इसके ऊपर अगर एक और टर्न रखा हुआ है तो उसमें भी उतना ही इंड्यूस ईएमएफ होगा, अरे है नहीं, और एक और टर्न रखा हो तो उसमें भी उतना इंड्यूस ईएमएफ, सबके साथ लिंक होगा। तो अगर एन टर्न्स हो तो सिंपली लोग एन से मल्टीप्लाई, तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं ई इज इक्वल टू एन फाइव टू माइनस फाइव वन को डेल्टा फाइव और डेल्टा टी टू माइनस टी वन को डेल्टा टी, ये तुम्हारा इक्वेशन है, क्लियर है ना। और इसी चीज को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में रखते हैं तो E is equal to मेरा आ जाता है N डेल्टा phi d phi और डेल्टा t d b d phi by d b। इतना हम लोग पढ़े थे फैराडेस लॉ। उसके बाद लेंस लॉ, क्या होता है लेंस लॉ, लेंसेस रूल या लेंसेस लॉ बोलते हैं। तो ये जो EMF होता है क्या होता है EMF, या करंट, जो करंट इसमें दौड़ रहा है, करंट का भी एक डायरेक्शन होता है, हम लोग जानते हैं करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो यहाँ पे ईएमएफ का कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन फैराडे ने नहीं बताया कि कैसे फ्लो करेगा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे फ्लो कर रहा है, ये बताया लेंस ने, क्या बताया लेंस। तो लेंस ने बताया कि ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है, पर है नहीं किसके कारण इंड्यूस हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स के कारण, किसके कारण चेंज इन फ्लक्स करोगे तो क्या इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो लेंस बताया कि डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो अपोज करेगा किसको, चेंज इन फ्लक्स, हाँ या ना। ये भी हम लोग देख लिए थे। और फाइनली हम लोग देखे थे कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा नेगेटिव, माइनस एन डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, जो कि बता रहा है कि डेल्टा डी फाइव बाय डी टी और ई एक दूसरे के क्या है अपोजिट, अपोज कर रहा है, क्लियर है ना। यहाँ तक देखे थे। इसके अलावा एक और हम लोग देखे थे कल कि जो फ्लक्स होता है क्या होता है फ्लक्स, ये जो फ्लक्स इसके थ्रू पास कर रहा है, हाँ नहीं, ये बेसिकली इक्वल होता है इसके बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, जहाँ पे ये एरिया है कॉइल का, yes, है नहीं, yes, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी, और कैसे रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में वो यानी थीटा, बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब जो फ्लक्स है, देखो यहाँ ध्यान दो, अगर ये बी भी कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट, थीटा भी कॉन्स्टेंट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं करेगा। अगर कोई भी एक चीज चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा चेंज, और अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो तुम फ्लक्स किसी भी क्वाइल के साथ जो लिंक है वो तीन तरीके से चेंज कर सकते हो, आइदर बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, बाय चेंजिंग द एरिया और ओरिएंटेशन। तो ईएमएफ को भी तीन तरीके से इंड्यूस करवा सकते हो। यहाँ तक हम लोग कल देखे थे।
है या नहीं? मतलब जो भी दो तीन क्लास हुआ इस चैप्टर का यहाँ तक हम लोग देखे थे, क्लियर है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल ईएमआई। क्या पढ़ेंगे? इमोशनल ईएमआई। हाँ या नहीं? तो बोलो यार। अच्छा, जो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े हो, देखो यहाँ ध्यान दो, उसके लिए मैं बता देता हूँ ईएमएफ क्या होता है। तो कंफ्यूज मत कर जाना कि ईएमएफ किसको बोलते हैं। जैसे एक सेल है ना यार, सेल में ले रहा हूँ, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव। अभी यूज कर रहे हो क्या इसको? नहीं। मान लेते हैं ये 10 वोल्ट का बैटरी है, या सेल कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट। तो ये जो 10 वोल्ट है ना, उसी को बोलते हैं ईएमएफ। क्लियर है ना? अरे बोलो यार, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। और दूसरा यहाँ ध्यान दो, ये तो तुम्हें वोल्टेज मिल गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अगर ये क्वायर जिसके थ्रू करंट जा रहा है उसका अगर रेजिस्टेंस दिया हो, अरे हाँ या नहीं? Yes, तो क्या हम लोग करंट निकाल सकते हैं? Yes, इस इक्वेशन से V is equal to IR, तो I is equal to क्या होगा? V by R, और पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम लोग EMF से प्रेजेंट किए, तो क्या होगा? E by R, तो कितना करंट जा रहा है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? Yes, तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे मोशनल ईएमएफ। लिखो मोशनल ईएमएफ। चलो जल्दी करो, इमोशनल ईएमएफ। बस 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 यहाँ पे ध्यान देना है, जितना तुम यहाँ ये करोगे कॉन्सेंट्रेट उतना ही समझ में आएगा, अदरवाइज जम करेगा। तो इमोशनल ईएमएफ सिंपल से याद रखो, मोशन मोशनर है ना? Yes, sir. तो इसमें सिंपल याद रखना कि अगर कोई क्वाइल या कंडक्टर को मूव करा रहे हो, क्या करा रहे हो? मूव मैग्नेटिक फील्ड। किसमें? मैग्नेटिक। ये हमको मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाना है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। उसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब देखो, मोशन टू टाइप्स का जनरली हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप का है लेकिन जनरली दो देखते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल। क्या होता है? ट्रांसलेशनल। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करो, किसमें मूव करो? स्ट्रेट। यानी लीनियर मोशन, लीनियर मोशन एग्जांपल है ट्रांसलेशनल मोशन। और दूसरा होता है रोटेशनल। दूसरा क्या होता है? जैसे ये ब्लेड्स ऑफ अ फैन रोटेट कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल में नहीं है कि ये सीधा चल रहा है, रोटेशनल मोशन। हाँ या नहीं? दोनों केस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले समझना है, लिखना नहीं है। तो मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालेंगे, मोशनल ईएमएफ। चलो हमको इसको ई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ई से। फिर प्रॉब्लम भी लेंगे। मैं मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये दो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, या तो क्रॉस या तो डॉट। इसका मतलब बता रहा है कि इस एरिया में या इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। उतना मैं लिखवाऊंगा जी, ठीक है? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूँ बी है। कितना है? बी। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट बी इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? सेम। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हमने एक कंडक्टर लिया, क्लियर है? ये कंडक्टर यहाँ पे सब लोग देखेगा, ये तुम्हारा कंडक्टर है। लेट अस अज्यूम ये तुम्हारा कंडक्टर है। इस कंडक्टर का नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है ना? या कोई वायर, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का नाम देते हैं ए बी। क्या दे देते हैं? ए बी। और इसका लेंथ है एल। लेंथ कितना है? एल। हाँ या नहीं? अभी स्टेशनरी है। अभी क्या है? स्टेशनरी। इसको मूव करा है। क्या करा है? मूव। कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कराओगे ना? ट्रांसलेशनल मोशन बोल। कौन सा मोशन? तो स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहिए। तो पूरा का पूरा इसको खिसकाते जाओ। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा जी, और ये भी पॉइंट आगे की तरफ बढ़ेगा। सब लोग यहाँ ध्यान देगा। मैं मान लेता हूँ टी इज इक्वल टू जीरो पे ये वाला कंडक्टर इस पॉइंट पे रखा हुआ था ना। मान लेते हैं ये टी इज इक्वल टू जीरो पे इस पोजीशन पे था। आफ्टर टाइम टी इसका पोजीशन चेंज हो गया। इसका पोजीशन क्या हो गया? चेंज। ये यहाँ पे आ गया, आया है ना? Yes, कितना वेलोसिटी के साथ मूव करा था? वी वेलोसिटी। कुछ वेलोसिटी होगा ना? अरे बोलो यार। Yes, तो ये पॉइंट जब यहाँ पे आ गया तो इसको मान लेते हैं ए डैश। क्या मान लेते हैं? ए डैश। और बी जब यहाँ पे आ गया तो कितना हुआ? बी डैश। तो ए से ए डैश जाने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया जी? Yes, मान लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स। कितना किया? एक्स। और जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे तो एक्स और चेंज करते जाएगा। Yes, आया ना? Yes, क्लियर है क्या? Yes,
तो जैसे जैसे इस कंडक्टर को तुम मूव कराओगे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या होगा ईएमएफ। अब कैसे होगा वो देखेंगे, समझ में आ रहा है क्या? अरे है नहीं? तो ये तुम्हारा बी इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर ए बी। अरे बोलो यार कैसे रखा हुआ, कैसे मूव करा रहे हैं, सबको मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है अंदर, और कंडक्टर को ऐसे मूव करा रहे, करा रहे हो ना? यस सर। हाँ या ना? वाइपर देखो, वाइपर वाइप जो करते हैं हम लोग, तो एक कोना पे मैंने वहां पे लगाया और पानी को उसको हम लोग क्या करते हैं, ये वाइप करते तो वो कवर करता नहीं एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और देखेंगे कि होगा क्या नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या, ये सब भूल जाओ। इंड्यूस्ड फॉर्मूला का, ईएमएफ का फॉर्मूला में बताया था माइनस एन डी फाई बाय डीटी, आया ना? तो ई इज इक्वल टू माइनस एन, और फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा ये होता है ना। अब हम लोग देखेंगे कि माइनस एन डी अपॉन डी टी, सबसे पहले एंगल निकालो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो एक लूप सा बनता हुआ दिख रहा है क्या? अरे हाँ या नहीं बोलो। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, इनवर्ट। अरे हाँ या नहीं? और जो भी तुमको एरिया दिख रहा है, जो भी सरफेस दिख रहा है, उसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, जो सरफेस दिख रहा है उसपे परपेंडिकुलर, ये ना दिख रहा है? तो परपेंडिकुलर लाइन ये होगा क्या? नहीं, ये वाला होगा ना। और बाहर की तरफ आना चाहिए, किधर आना चाहिए? बाहर, अंदर की तरफ नहीं। तो ये किधर आ रहा है? बाहर। अरे एरिया वेक्टर किधर आएगा? बाहर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर। आया ना? एंगल कितना होगा? जैसे ये तुम्हारा कॉपी है भाई, देखो ऐसे करके हो गया जी, इतना कवर किया था ना, ये तुम्हारा सरफेस है। तो सरफेस का क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये ना लाइन परपेंडिकुलर है, और किधर आना चाहिए? और मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस डिनोट किए, अंदर जा रहा है। तो मेरे दोनों हाथ देखो, एक अंदर की तरफ, दूसरा बाहर की तरफ, कितना एंगल है दोनों के बीच? 180। तो यहाँ पे कॉस का पहले वैल्यू पुट करेंगे, फिर बाहर में निकालेंगे, उससे एनालाइज करूंगा। बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180, कॉस 180 माइनस वन होता है, कितना होता है? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। E is equal to n into d by dt, और हम लोग लिख सकते हैं बी ए, क्या लिख सकते हैं? बी ए। अरे हाँ या ना? फिर से समझो, अब मैंने ऊपर में क्या लिखा है देखो, b क्या है? मतलब कांस्टेंट है, क्या है? जब यहाँ पे था, अब ये तुम्हारा कंडक्टर आगे ले गया, आगे लेते जाओ ना, हर एक जगह पे b क्या है? सेम। अरे है नहीं? तो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, आएगा ना? तो अगर बाहर कर दें तो जाएगा n इंटू बी, अरे है नहीं? और देखो n क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जैसे आगे बढ़ेगा हमेशा तो नंबर ऑफ टर्न एक ही है ना जी, एक ही कंडक्टर है, क्या इसके ऊपर एक और रख दी है क्या? नहीं। तो n का भी वैल्यू यहाँ पे लेंगे 1, क्या लेंगे? 1, और d अपॉन dt ऑफ a होगा। अरे होगा क्या? जहाँ पे ए होता है एरिया, ये क्या होता है? एरिया। ये कंडक्टर को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो ये एरिया को स्वीप कर रहा है, एरिया को क्या कर रहा है? स्वीप। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को एकदम स्वीप करते हुए जा रहा है। अरे है नहीं? हाँ है ना? तो आगे हम लोग चलते हैं, एरिया निकले, एन का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो ई इज इक्वल टू जाएगा बी इंटू डी अपॉन डी टी, और एरिया कितना होगा इस लूप का? देखो लेंथ इसका, ब्रेथ है एक्स, और लेंथ कितना है? एल, तो एल इंटू एक्स होगा। अरे हाँ नहीं? एन का वैल्यू मेरे पास कितना है? 1। बोलो। फिर से वापस देखो कि जब तुम इसको मूव करा रहे थे कंडक्टर का, उसका लेंथ तो फिक्स है, फिर से एल बाहर आ गया, फिर से एल क्या आ गया? बाहर। तो ई इज इक्वल टू बी, और एल को बाहर करो तो क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी टी। अब ये वाला क्वांटिटी देखो, टाइम, टाइम हमेशा एक वेरिएबल है, टाइम हमेशा क्या है? वेरिएबल। टाइम तो हमेशा वेरी करता है, टाइम कभी फिक्स है क्या? नहीं। लेकिन चूंकि तुम कंडक्टर को मूव करा रहे हो, तो ये बताओ जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये फिक्स है या वेरी करेगा? वेरी। हाँ या नहीं? इसका मतलब एक्स क्या है? वेरिएबल, और ये भी क्या है? वेरिएबल। तो जब वेरिएबल एक्स वेरी कर रहा है यहाँ पे, कोई भी तो कॉन्स्टेंट नहीं, अगर एक्स कॉन्स्टेंट हो जाता तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? जीरो। तो ईएमएफ क्या हो जाता है? जीरो। तो सिर्फ तुम देख रहे हो कि सिर्फ एक्स को वेरी करने से ईएमएफ आ रहा है, डिस्टेंस कवर करने से आ रहा है ना। बी और एल क्या है? कॉन्स्टेंट। और डीएक्स बाय डीटी क्या बताता है? वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दो तरह का स्पीड होता है, एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, कितना हुआ है x, कितने टाइम में t टाइम में x by t। अरे बोलो ना यार, तो किसी इंस्टेंट पे अगर निकालोगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा, dx by dt। आया ना? तो इसको जब करेंगे तो हम लोग हो जाएगा e इज इक्वल टू v l, और dx by dt को क्या लिखेंगे v, तो e इज इक्वल टू v l। और चूंकि मोशन के कारण हो रहा है, किसके कारण, मोशन, तो ये जो EMF है वो है मोशनल, क्या है मोशनल। क्लियर है ना? तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ l, लेंथ कितना है l, अगर v वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है v में, तो उसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, bl। अब देखो डायरेक्शन फाइंड करेंगे, EMF का क्या होता है डायरेक्शन, ये तो सिर्फ निकालें कि कितना आएगा, बोलो ना, ये dx by dt के बदले मैंने लिखा भी, यहाँ पे देखो dx by dt है ना, तो इसके बदले मैंने क्या लिखा, v, v और l पहले से था, क्लियर है क्या, dx by dt को ही v बोलते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, अब EMF तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर कहते हैं, EMF का डायरेक्शन होता है, क्या होता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अब आएगा जनरेटर, क्या आएगा जनरेटर, तो इसमें होता है फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड अगर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, फिर से देखो ये फोर फिंगर फील्ड, फोर फिंगर फील्ड, थम मोशन, थम क्या है मोशन, मोशन ऑफ कंडक्टर, तो सेंट्रल फिंगर क्या बताएगा करंट। तो कोई अरेंज करो, मेरा फील्ड किधर जा रहा है अंदर, अरे जा रहा है ना, मोशन किधर दे रहे हो राइट, तो मेरा सेंट्रल फिंगर किधर जा रहा है ऊपर, यानी करंट कहां से कहां जाएगा, बी से ए, बी से कहां जाएगा ए, तो पॉजिटिव कौन होगा बी, और नेगेटिव कौन होगा ए। अरे हाँ या ना, तो हम लोग EMF का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड थंब नहीं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, किसका नाम, क्लियर है क्या, तो ये पहला एक्सप्रेशन हुआ मोशनल EMF, क्लियर है ना। चलो लिखो, इसको कॉपी किया, तो ठीक है सही है, हमको अब नहीं मालूम, मेरा अपना मालूम है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है सो पूछो हम बता देंगे एक्सप्लेन कर, मोशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो रोटेशनल मोशन देखते हैं, क्या देखते हैं रोटेशन, तो रोटेट हम लोग कराएंगे, अब उसको सीधा मूव नहीं कराएंगे, बल्कि एक पॉइंट के बाद इसको क्या करेंगे घुमाएंगे, तो देखते हैं क्या होगा मोशन ये में। तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम टू सेम चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा फॉर्मूला से अलग आएगा, और कल जो बताए थे थोड़ा ध्यान रखना, और आज भी जो बताएंगे थोड़ा उसको दिमाग में जाने देना कि क्या है। देखो यहाँ ध्यान दो, मेरे पास एक रॉड है या एक कंडक्टर है, देखो यहाँ ध्यान दो, ये कंडक्टर है, ठीक है क्या, सेम कंडक्टर वही ए बी हम लोग ले लिए, ठीक है, ये तुम्हारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ मैं मान लेता हूँ एल, लेंथ कितना मान लेता हूँ एल, और इसको रोटेट कराना है, इसको क्या कराना है रोटेट, तो एक एंड को फिक्स रखोगे ना, या बीचों बीच को भी फिक्स रख सकते हो, कहीं भी फिक्स रोटेट लेकिन कराना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को क्या कर दिया फिक्स, जैसे हैंगर लगाते हो ना यार, सॉरी हैंगर कहते हैं ये कैलेंडर, अरे बोलो यार, तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, और इस एंड को मूव करा रहे, इस एंड को क्या करा रहे मूव, तो जब मूव कराओगे तो देखो ये किस तरह मूव करेगा, हाँ या नहीं, घुमाते हो इस तरह बनेगा क्या, अरे बनेगा ना, सबक ध्यान देगा, एक बार में खत्म हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो, इसका पोजिशन ए था, अरे बोलो यार, इसको हम लोग ओ ए भी मान सकते हैं, जो भी मानना है, अच्छा चूंकि हम लोग इसको रोटेट करा रहे हैं तो कुछ देर के बाद ये आगे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, आया ना, मान लेते हैं ये ए डैश पे पहुंच गया, कितना पे पहुंच गया ए डैश, तो कुछ एंगल कवर कर रहा है, कितना कुछ एंगल कवर करते हुए, ये एंगल कितना है, और ये ए डैश पे जब आया तो कितने टाइम में आया, टाइम टी पे, कितना टाइम लगा इसको टी, जीरो से स्टार्ट किया था, टाइम टी पे पहुंचा है, आया ना, तो देखो ये एरिया को ही स्वीप कर रहा है,
एरिया को ही क्या कर रहा है, स्वीप मैग्नेटिक फील्ड। अभी कम ही एरिया, इतना ही एरिया स्वीप किया, आगे जाएगा तो और भी एरिया स्वीप करेगा ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला, जो हमारे पास फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ फॉर्मूला, सबसे पहले चेक करेंगे माइनस एन डी फाई बाय डी। अरे होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्न है, एक ही कंडक्टर सिर्फ है, अरे है ना यार, तो एन का वैल्यू यहाँ पे अपन लेंगे वन। डी अपॉन डी टी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। फिर से वापस से एंगल देखो, माइनस डी अपॉन डी टी, बी को रहने दो, ए को रहने दो, और एंगल को फाइंड करो। देखो ये वाला तुम्हारा एरिया दिख रहा है ना जी, यही आपका एरिया दिख रहा है क्या, यही आपका सरफेस है ना यार। तो एरिया जो वेक्टर होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ये ना सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, और बाहर की तरफ आना चाहिए, किधर आना चाहिए बाहर। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर, दोनों पीछे एंगल कितना होगा वन। वापस से वही सेम टू सेम बोले थे ना, कॉस ऑफ कितना होगा वन, कॉस 180 माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ बी। वापस से बी हम लोग वापस कर देंगे, क्योंकि बी हम माने थे यूनिफॉर्म, क्या माने थे यूनिफॉर्म, एवरीवेयर बी क्या है सेम, तो बी बाहर आएगा। लेकिन जैसे देखो आगे आगे बढ़ाया जाएगा तो एरिया बढ़ेगा ना जी, एरिया फिक्स नहीं है, तो एरिया भी निकाल सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ ए। अब ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया जानते होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जो लाइफ में नहीं भी अगर तुमको याद है तो याद हो जाएगा, टोटल एरिया सर्कल बन रहा है ना, तो ये टोटल एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, हाँ या नहीं, अरे बोलो यार। और ये पाई आर स्क्वायर जो टोटल एंगल होता है, अगर ये एंगल को पूरा घुमा दो तो 360 कितना होता है 360। तो मैं बोलूंगा 360 डिग्री एरिया में, सॉरी 360 डिग्री एंगल में टोटल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो यूनिट एंगल में या यूनिट वो एक डिग्री में कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, अरे है नहीं, तो थीटा एंगल में कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 इनटू थीटा, हाँ या ना, यहाँ पे एरिया भी हम लोग एंगल डिग्री में किए, हाँ या ना बोल, सिंपल है ना। तो ऐसे यूज कर सकते हो या डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब 360 डिग्री को अगर रेडियन में रखो, इसमें रखो रेडियन में, तो 360 इज इक्वल टू दैट 2 पाई, कितना होता है 2 पाई, तो थीटा बाय 2 पाई इनटू पाई आर स्क्वायर, कितना एरिया होगा यहाँ पे, आर है रेडियस, आर क्या है रेडियस, यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल है एल, अरे हाँ या ना, तो यहीं पे एरिया अगर पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा B, B अपॉन डी टी, और एरिया होगा थीटा बाय 360 मींस 2 पाई इनटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है L, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। अब जब तुम इसको रोटेट करा रहे हो तो लेंथ तो फिक्स्ड है ना यार, सिर्फ क्या चेंज करा है एंगल, तो थीटा वेरिएबल है, एल और टू क्या है कॉन्स्टेंट, बाहर कर दो तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा बी एल स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे बचेगा डी थीटा बाय डी टी, अरे हाँ या ना, जैसे अभी बताए थे डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, हाँ या ना, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डी थीटा बाय डी टी को ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाय डी टी, एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं, ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी के बदले ओमेगा बाय टू, ओमेगा बाय टू। तो वैसे डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर है क्या, तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये कर लो। अगर एक बार ईएमएफ आ गया तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, अगर ये जो तुम्हारा वायर है या ये जो कंडक्टर है इसका अगर रेजिस्टेंस आर है, कितना है आर, तो करंट ई इज इक्वल टू क्या होगा ई बाय आर, अगर क्लोज पाथ है तो, क्योंकि करंट क्लोज पाथ में ही फ्लो करता है, नहीं समझ में आया, सिंपल है यार। अगर एक बार ईएमएफ आ गया तो आप करंट भी निकाल सकते हो, हम लोग ये दोनों फॉर्मूला पे बेस्ट हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे भी, बट कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, इधर ध्यान दो।
देखो इस पूरे चैप्टर में अगर कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूला पे बेस्ट है जो पहला हम लोग फॉर्मूला बताए थे। नहीं भैया, E is equal to minus n d phi by dt, बाकी कुछ भी निकाल सकते इसी बेसिक फॉर्मूला से। और फ्लक्स तुम लोग जानते हो ये होता है BA cos theta, क्लियर है ना? तो दिक्कत है क्या? तो हम लोग एक प्रॉब्लम देंगे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को समझना फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। मैं ही सॉल्व कर दूंगा, सिर्फ तुम बताना कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये आपका प्रॉब्लम 16 है ऐसी वर्मा का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, अभी कोई नहीं कुछ लिखेगा, सिर्फ यहाँ ध्यान देगा, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ना? क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड, ये वाला है ना यार। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.6 टेस्ला, 0.6 टेस्ला। और यहां पे एक स्क्वायर लूप को रखा गया है, ये तुम्हारा स्क्वायर लूप, ठीक है ना? ये स्क्वायर लूप बाहर में भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या अंदर में? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? बाहर। और इस लूप का स्क्वायर लूप है तो हर एक साइड का लेंथ क्या होगा? सेम। तो इसका साइड लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस लेंथ में एग्जिस्ट कर रहा है इतना ही दूर तक कर रहा है, ये है 20 सेंटीमीटर, इतना है 20 सेंटीमीटर। और इस लूप को हम लोग राइट की तरफ ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं? राइट की तरफ मूव करा रहे हैं। और इसका स्पीड भी दिया हुआ है, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। This figure shows a square loop of side 5 cm being moved towards the right, right की तरफ move कराया जा रहा है, with a constant speed of 1 cm per second. इसका speed कितना दिया हुआ है? 1 cm per second. ये speed है. The front edge, ये तुम्हारा सामने वाला edge है. The front edge enters the 20 सेंटीमीटर वाइड मैग्नेटिक फील्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो। देखो ये वाला पॉइंट जब यहां पे आता है ना, तब हम लोग टाइम को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, टी इज इक्वल टू जीरो। अरे बोलो मेरे भाई। यस सर। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, इस लूप में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t is equal to 10 second, t is equal to 22 second and t is equal to 30 second. तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड ई एम एफ इंड्यूस, ई एम एफ निकालना है, क्या निकालना है? ई एम एफ इस लूप में कब निकालना है? सबसे पहला निकालना है t is equal to 2 second पे, second निकालना है t is equal to 10 second पे, third निकालना है t is equal to 22 second पे और fourth निकालना है t is equal to 30 second पे। देखो मैं करके बताता हूँ, ठीक है ना? ये बता रहा है स्पीड की 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसका मतलब 1 सेकंड में ये आगे की तरफ कितना मूव करेगा? 1 सेंटीमीटर। अरे है नहीं? देखो t is equal to 0 पे इसका जो फ्रंट एज है वो इसको टच कर रहा है, देखो इस तरह है, इसको मैं भी मिटा देता हूँ, इस तरह हो जाएगा, अभी फ्रंट एज सिर्फ इसको टच करेगा ना, और बाकी चीज तो बाहर रहेगा मेरे भाई। ये वाला लेंथ कितना बता दो? 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। इस समय टाइम काउंट कितना हुआ है? 0। अरे बोलो यार। अब आगे देखो t is equal to 2 सेकंड, t is equal to 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद कितना होगा? ये कितना डिस्टेंस आगे मूव किया होगा? 2 सेंटीमीटर। अरे करेगा? yes, sir. इसका मतलब ये वाला 2 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर अंदर रहेगा, 3 सेंटीमीटर बाहर। तो तुम्हारा डायग्राम कुछ इस तरह हो जाएगा, ये t is equal to 0 पे था ना, तो t is equal to 2 सेकंड पे हम लोग बोलेंगे कि ये इसका भी 2 सेंटीमीटर अंदर में है, कितना? अरे बोलो यार। yes, sir. और 3 सेंटीमीटर क्या है? बाहर। क्लियर है क्या? yes, sir. ये वाला 3 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। अरे बताओ यार। yes, तो इतना ही ना मैग्नेटिक फील्ड में है जी। yes, sir. अरे बोलो यार। yes, sir. क्लियर है क्या? yes, sir. तो हम लोग ईएमएफ निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ईएमएफ निकालते हैं। इस टाइम में ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ का जो ऊपर वाला फॉर्मूला है माइनस एन डी फाई बाय डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही लेंगे यहाँ पे, एक ही कंडक्टर है या एक ही लूप है, एक ही ना लूप है यार। yes, sir. तो एन इज इक्वल 1 डी अपॉन डी टी,
क्या होता है बी ए कॉस थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर है, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस और आउटवर्ड एंगल कितना होगा 180। 180 का वैल्यू क्या होता है माइनस 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 प्लस हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ बी ए। अरे बोलो यार, बी तो यूनिफॉर्म है, बी तो क्या है यूनिफॉर्म, तो बी बाहर आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, चेंज इन एरिया बाय चेंज इन टाइम। तो पूरा का पूरा सबसे पहले बाहर था, तो इनिशियल एरिया कितना लिंक था जीरो, इनिशियल कितना लिंक था जीरो। अरे बोलो यार, दो सेकंड में फाइंड। अरे जब ये पूरा बाहर में तो कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में था जीरो, कितना एरिया अंदर में है एरिया ये 2 सेंटीमीटर है, अब ये वाला कितना है 5 × 2 कितना होगा 10, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। डी ए बता रहा है चेंज इन एरिया फाइनल, फाइनल एरिया 5 × 10 cm². अरे है नहीं, इनिशियल कितना लिंक था जीरो, फाइनल टाइम कितना है 2 सेकंड के बाद आया है, और इनिशियल t = 0 था, तो b का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 और ये हो जाएगा 10/2 कितना हो जाएगा 5 cm². तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर मीटर 10^-2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 0.6 × 5 10^-2 10^-4 बन जाएगा, एक और जीरो निकालोगे तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 × 10^-4 इतना होगा। हाँ या नहीं? अरे बोलो यार। अब t इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो 10 सेकंड, सिमिलरली निकाल सकते हो ना, t इज इक्वल टू 22 सेकंड और t इज इक्वल टू 30। अब देखो एक बार एक चीज तुमको ध्यान में रखना है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किए थे और आगे मूव करा रहे हो ना, 2 सेकंड के बाद 2 सेंटीमीटर एंटर किया, 3 सेकंड के बाद 3 सेंटीमीटर, 4 सेकंड के बाद 4 सेंटीमीटर, और 5वें सेकंड के बाद पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा। अरे या नहीं? तो 6वें सेकंड में कितना एरिया चेंज होगा, सब तो अंदर आ गया है, एक बार सब अंदर आ जाएगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, अभी जब तक बाहर में है तब तक एरिया चेंज होते रहेगा, हम लोग को वो एरिया लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड में है रखा हुआ है। अरे है नहीं? तो जैसे जैसे अंदर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जो एरिया लिंक है वो चेंज कर रहा है ना, लेकिन 5 सेकंड के बाद टोटल का टोटल एंटर कर जाएगा, मतलब टोटल एरिया लिंक है, लेकिन वो एरिया आगे चेंज नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? 20 सेकंड तक, क्योंकि 20 सेकंड तक यहाँ पे अंदर नहीं रहेगा। हाँ या नहीं? 20 सेकंड के बाद फिर ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। हाँ या नहीं? तो 22 सेकंड में भी तुमको मिल जाएगा, लेकिन t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे ईएमएफ मिलेगा जीरो। क्या मिलेगा? जीरो, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10 सेकंड के बाद टोटल का टोटल किसमें होगा? अंदर। उसके बाद तो एरिया चेंज नहीं करेगा, आगे भी बढ़ाओगे तो चेंज करेगा, पीछे रहोगे तो भी एरिया चेंज नहीं करेगा। वो एरिया लेना जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो, लिंक्ड हो। हाँ नहीं? तो इसको जिस तरह मैं एनालाइज किया उसी तरह तुम एनालाइज कर सकते हो 10 सेकंड पे, 22 सेकंड पे और 13 सेकंड। हाँ नहीं? अरे बोलो यार। तो आगे वाला पार्ट का लेना, लेकिन पहला वाला पार्ट तो आसानी से समझ में आ गया होगा क्या है, क्लियर है क्या? Yes, तो इसको कर लो।